दोस्तों आज हम स्वॉलोड स्टार की आगे की नोवेल को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ऐसे ही नोवेल की वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होंग और ले शन दोनों ही मिलकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट से लड़ने चले गए थे। अब आगे हमारा एपिसोड स्टार्ट होता ही हम सबसे पहले देखते हैं लुआफेंग को। अब वो होंग और ले शन के फाइट को देखने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि यह ह्यूमैनिटी का आखिरी उम्मीद थी और यहाँ पर सारे लोग उनको ही देख रहे होते हैं। और फिर हमें होंग और ले शन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग पैसिफिक ओशियन में जाते हैं और उनका प्रसारण पूरी दुनिया में चल रहे थे और सारे लोग भी नर्वस भी होते हैं। तभी वहाँ पर एक नया वारियर लुआफेंग से पूछता है कि क्या वो लोग जीतेंगे। इस पर लुआफेंग कहता है कि हाँ वो जरूर जीतेंगे। यहाँ पर होंग और ले शन आगे बढ़ते जाते हैं और यहाँ पर होंग ले शन से पूछता है कि हमें कितने लोग देख रहे हैं। तो इस पर ले शन हंसते हुए कहता है कि लगभग 6 बिलियन से भी ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं। अब ये सुनकर होंग खुश हो जाता है और यहाँ पर इनका मकसद था कि वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को पूरी तरह से मार दें। हम देखते हैं कि यहाँ पर तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बाहर निकलता है जिसे देखकर ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट पहले से काफी ज्यादा भयानक दिख रहा होता है और साथ ही वो यहाँ पर अपनी बदला भी लेने आया होता है और वो मॉन्स्टर होंग और ले शन की एनर्जी को देखता है और इसे देखकर वो जोर से गुस्से से दहाड़ता है क्योंकि उसके सामने एक छोटे से कमजोर इंसान था और वह उसे चैलेंज करने आया है और यह गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसी कारण वह गुस्से से होंग और ले शन की ओर बढ़ने लगती है। वैसे यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट होंग और ले शन को बहुत कम समझ रहा होता है और सोचता है कि यह तो मेरे सामने चींटी के बराबर है, मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। और यही पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट आने के बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसके साथ ही हम लुआफेंग को देखते हैं जो कि कहता है कि अब सब आपके ऊपर है हेड। जिसके साथ हम आते हैं होंग और ले शन के व्यू पर और यहाँ पर ह्यूमन के ग्रेटेस्ट वॉरियर और ग्रेटेस्ट मॉन्स्टर के बीच फाइट होने लगी थी। अब होंग आते ही अपनी पावर टेक्निक को अपनी डोमिन के साथ ही अटैक कर देता है और वो लोग गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किसी भी तरह का बचने का मौका नहीं देना चाहते थे। अब होंग और ले शन दोनों ही एक साथ मिलकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट से लड़ रहे होते हैं जैसा कि उन्हें पता था कि यह उनकी आखिरी टाइम है और इसमें उनको अपनी पूरी पावर के साथ लड़ना है। इधर हम सारे लोगों को देखते हैं जो ट्रेनिंग रूम में बैठकर इस फाइट को देख रहे होते हैं जिसके साथ ही हम देखते हैं कि होंग और ले शन इस फाइट में अपनी सोल इमुलेशन को यूज कर रहे होते हैं। इस पर बबाटा लुआफेंग से कहती है कि उनके पास सिर्फ 1 मिनट है, अगर यह उसे 1 मिनट में नहीं हरा पाए तो उस बिस्ट के अटैक को इन लोगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर सोल इमुलेशन की स्किल होंग और ले शन यूज कर रही थे और इस स्किल में होता है कि शॉर्ट टाइम में आपकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन अगर वह इसमें कामयाब नहीं हुई तो मारे जाएंगे। अब होंग और ले शन मिलके उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट से फाइट कर रही होती है और उनकी बैटल इतनी ज्यादा तेज होती है कि कोई भी अपनी नजरों से उसे नहीं देख पा रहा था, यहाँ तक कि उस रूम में रहे सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स भी नहीं देख पा रहे थे। लेकिन लुआफेंग ही एकलौता बंदा था जो पूरी बैटल को साफ साफ देख पा रहा था और बाकी लोग उसे रिवाइव करके देख रहे थे। इसके बाद हमें होंग को दिखाया जाता है जो अपनी स्पेयर से गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करता है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट को इससे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह गुस्से में दहाड़ उठता है और उसे तो लगा कि यह लोग नॉर्मल होंगे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह लोग इतनी ज्यादा स्ट्रांग होंगे लेकिन इनकी पावर कई गुना ज्यादा थी। हालांकि उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट की लैंडलाइन मेमोरी में स्टॉट लेवल की वॉरियर्स के बारे में पता था लेकिन उनके स्किल शॉक कर देने वाली थी और ऐसा लग रहा था कि जैसा कि वो सारे अटैक हेवन से आए हो। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जोर से दहाड़ने लगता है और इसी के साथ वह अपना मुंह खोलता है। इसे देखकर होंग और ले शन की एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है क्योंकि उन्होंने इस बिस्ट को अपनी इस एबिलिटी को यूज करते हुए देख रखा था। और फिर होंग और ले शन गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ओर जाने लगती है और वह बिस्ट इनको देखकर एक साथ निगलने के बारे में सोचता है और वह निगलने ही वाला होता है कि होंग और ले शन ने एशियन मॉलवे को सामने कर दिया होता है
और कहता है कि खाओ जितना खाना चाहते हो उतना खाओ। अब उन टुकड़ों की क्वालिटी धरती की मेटल से कई गुना ज्यादा थी और होंग को पता था कि हर कोई भी जीव ज्यादा खाए तो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। और होंग फिर से कई सारे मेटल को आगे लाता है। तब होंग के पास 18 और हाइड्रोजन बॉम्ब थे जो उसने बाकी सारे देशों से मांगे थे। अब बिष्ट को पिछली बार हाइड्रोजन बॉम्ब के इंसिडेंट याद था, इसलिए वो उसे निगलने की हिम्मत नहीं करता और इसी कारण वो उसे निगलना बंद कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दहाड़ता है और इसी कारण उसकी पूरी बॉडी में गोल्डन लाइट फ्लैश करने लगती है, जैसे कि उसकी अटैक और उसकी डिफेंस सब कुछ स्ट्रांग हो जाते हैं और वो डायरेक्ट लेशन पर अटैक कर देता है और अपनी पंजों से लेशन पर अटैक कर देता है। लेकिन लुआफेंग के दी हुई आमा की वजह से लेशन बच जाता है, लेकिन यहाँ पर लेशन के नीचे से टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन इससे भी लेशन नहीं रुकता और वो अपनी प्लान को ही फॉलो कर रहा होता है। और यहाँ पर होंग गोल्डन होंग बीस्ट के ऊपर अटैक करने लगता है और उनका प्लान शुरू से ही यही होता है कि वो गोल्डन होंग बीस्ट के बॉडी में घुसकर उसे मारेंगे। और यहाँ पर लेशन का नीचे के हिस्से उस बेस्ट के कारण टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता और इसमें भी वो छेद करता जा रहे होता है और इसी कारण वो गोल्डन होंग बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दहाड़ने लगता है। लेकिन होंग और लेशन उसकी बॉडी के अंदर घुस चुके थे और यहाँ पर पूरी दुनिया साइलेंट थी और लुआफेंग स्क्रीन पर ही देख रहा था, जहाँ पर वह बेस्ट काफी ज्यादा गुस्से में था। और यहाँ पर सारे लोग स्क्रीन पर देखते हैं, जहाँ पर होंग एक गॉड की तरह फाइट कर रहा था और उस बेस्ट में छेद किया जा रहा था और वही लेशन उनकी बॉडी आधे कट चुकी थी। वो भी पूरा पागलों की तरह होता है और उसकी बॉडी में छेद किए जा रहे होता है ताकि वो गोल्डन होंग बीस्ट को मार सके। और यहाँ पर सभी लोगों का दिल खामोश था, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था कि वो लोग उस बिष्ट के बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर लुआफेंग बबाटा से पूछता है कि क्या होंग और लेशन जीत पाएंगे, तो इस पर बबाटा कहती है कि चिंता मत करो, होंग और लेशन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और इसने अपने अल्टीमेट मूव को भी तैयार करके रखा होगा और अभी के दरमियान वो उनके बॉडी में जा चुके हैं, तो उनकी जीतने के चांस 50% से 70% तक हो सकते हैं। अब लुआफेंग स्क्रीन पर देखने लगता है और यहाँ पे बबाटा ये भी बताती है कि वो बेस्ट अभी तक लड़ाई में एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, अगर वो एक्सपीरियंस होता नतीजा कुछ और ही होता। और यहाँ पर हमें फिर से उस बेस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर बिष्ट दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है और उस समय वो कैसे भी करके होंग और लेशन को बाहर निकालना चाहता था और वो जोर जोर से चिल्ला ही जा रहा होता है। लेकिन करीब 10 सेकंड के बाद ही उसकी आवाज धीरे धीरे कम होने लगती है और उसकी आंखें भी बंद होने लगते हैं और वो बेस्ट खुद को थकावट महसूस करने लगता है। और यहाँ पर उसकी लाइफ फोर्स भी कमजोर होने लगी थी और उसकी लाइफ फोर्स पहले 80% थे, अब घटते घटते 60%, 50%, 40%, 30% और 20% ऐसे ही नीचे गिरने लगते हैं। और इसे देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और सबको लगता है कि वह जीत गए और वह बेस्ट मारा गया और वह सभी खुशी मनाने लगते हैं। लेकिन लुआफेंग कहता है कि होंग और लेशन का क्या हुआ, लेकिन तभी दूरवाणी की आवाज आती है जो कि कहती है कि एक बुरी खबर है, हालांकि उस बेस्ट के लाइफ फोर्स डिटेक्ट नहीं हो रही है और वह मारा गया, लेकिन हमने धरती के मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स को खो दिया है और उन्होंने अपनी जान देकर पूरी इंसानियत को बचाया है। और इसे देखकर वो लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन बबाटा लुआफेंग से कहती है कि शायद वो लोग मरे नहीं होंगे। तो ये सुनकर लुआफेंग इसके बारे में पूछता है, तो बबाटा कहते हैं कि तुम्हारे इस लाइफ डिटेक्टिव स्पेसशिप खोजे गए होंगे, लेकिन ये सर्टेन पॉइंट तक ही लाइफ को डिटेक्ट कर पाते हैं और ये शायद एक स्टूडेंट लेवल फाइटर जितनी लाइफ फोर्स हो तो इसे ये डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब बबाटा लुआफेंग को ये सब बता ही रही होती हैं, लेकिन पूरे रूम में कलबली मच जाती है और वह बेस्ट नीचे की ओर गिर रहा था, अब वह रुक जाता है और यहाँ पर वह गोल्डन हॉर्न बीस्ट फिर से अपनी लाइफ फोर्स बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और इसे देखकर लुआफेंग को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर यह कैसे हो रहा है। और यहाँ पर होंग और लेशन भी अपनी जान दे चुके थे, लेकिन फिर भी वह बिष्ट नहीं मारा। यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की लाइफ फोर्स बढ़ने लगती है 10%, 20%, 30% और 40% ऐसे ही करके अपनी लाइफ को फोर्स को रिकवर कर लेता है। और इसे देखकर सारे लोग टूट जाते हैं और वह जान गए थे उसका अंतिम दिन आ चुका है। और इतना कहते ही आज का हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।